ये लो टीटू खाना खाओ। अरे तुम दोनों ने साइकिल छोड़ी नहीं अभी तक, इसी से चिपके रहोगी क्या? काश ऐसे ही पढ़ाई की बुक से चिपक जाते टीटू तो क्लास में फर्स्ट आते। आंटी आज खाने में क्या बनाए? मटर पनीर। खाओगे शेरा? आप इतनी जबरदस्ती कर रही हैं तो चार रोटी डाल कर दे ही दीजिए आंटी, रायता और अचार मत भूलिएगा। टीटू खाने को आराम से खाओ, चबा चबा कर, 32 दांत है 32 बार चबाओ। मम्मी देखो शेरा मेरा सारा खाना खा गया। अरे टीटू ऐसे नहीं कहते, तुम्हें भी चार रोटी दी थी ना, और शेरा को भी। मम्मी इसने मेरी रोटी भी खा ली। सरासर गलत इल्जाम है आंटी। अब जो भी हो खाना और नहीं बचा। शेरा तुम्हारी मम्मी बुला रही है, जाओ होमवर्क कर लो। और बताइए शेरा की मम्मी क्या हाल है, क्या चल रहा है? बस एक घंटे में इसको उल्लू बनाकर निकल लूंगा मैं, फिर मैं हीरो और ये जीरो, तब तक मजे लेता हूँ इसके। कौन सा होमवर्क है? मैथ्स का। वाह मेरा फेवरेट है मैथ्स, पूरी मैथ्स आती है। जवाब है 42। अरे सवाल तो मैंने बताया नहीं, आंसर पहली। सुना नहीं मेरा डायलॉग? हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। टीटू अब डिस्टर्ब मत करना, मैं थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 42 53 x प्लस वाई प्लस बीटा थीटा 42/5। चुप टीटू चुप, अब आएगा मजा। हैं टीटू की मम्मी ये क्या हुआ? टीटू गोलू ये पोस्टर किसने लगाए? मम्मी हमारे टीटू का बचपन से सपना था कि आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और सुपर मॉम का अवार्ड जीते, लेकिन है? लेकिन ये कंपटीशन तो इसी साल शुरू हुआ है, तो इसका बचपन का सपना कैसे हो गया? अरे मम्मी मेरा तो अभी बचपन ही चल रहा है, जब बड़ा हो जाऊंगा लोग इंटरव्यू लेने आएंगे तो दुनिया को क्या जवाब दूंगा? मेरा बचपन का सपना पूरा नहीं हो पाया। रहने दो टीटू, कुछ सपने जिंदगी भर के लिए सपने ही रह जाते हैं। सॉरी बेटा, काश मैं तुम्हारी मम्मी होता तो मैं जरूर ये सपना पूरा करता। बस कीजिए, इससे ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तैयार हूँ कंपटीशन में जाने के लिए। ये लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं जीतूंगी या नहीं। मम्मी इसकी टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आज से आपकी ट्रेनिंग शुरू। ट्रेनिंग? कैसी ट्रेनिंग? मम्मी सुपर मॉम के लिए खाना बनाना, ड्राइविंग, पेंटिंग, कुछ हुनर तो आना चाहिए ना। खाना बनाना तो मुझे आता है ना। टीटू का मतलब है अच्छा खाना बनाना। तो क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? ये मैंने कब कहा, इस घर में मेरी चलती ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है। अरे मम्मी पापा का ये कहना है कि कुछ और खाना जो कंपटीशन में बनाकर प्रेजेंट किया जा सकता है। वैसे तो आपको सब बनाना आता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए पिज्जा बना सकती है। टीटू होशियारी नहीं, मुझे पता है कि तुम पिज्जा खाने के लिए ये कंपटीशन का बहाना बना रहे हो। अरे नहीं मम्मी सच में। अच्छा ठीक है पिज्जा नहीं, कुछ मिठाई तो बनाना सीख लीजिए। सब लोग टेस्ट करके सच सच बताओ कैसी बनी है। वाह मम्मी आपने तो कमाल कर दिया। कंपटीशन में तो आप धमाल मचा देंगी। एक तो मुझे भी खिलाओ। मैं सच सच बताऊं? हाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सच बोलेंगी तभी तो और अच्छा बना पाऊंगी कंपटीशन में। रसगुल्ले में रस थोड़ा कम है। लगता है पापा सच बोलने की छूट मिलने का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं।
मैंने जानबूझ के ऐसा किया था। ज्यादा मीठा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। आपको तो डॉक्टर ने मिठाई खाने से मना किया है ना? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, बहुत अच्छा बना है। लेकिन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए नहीं मिलेगा। अब जितना खाना था खा चुके हो। धंधा का टाइम में ये क्या करता है? मेरा धंधा चौपट करेगा क्या? ओ भोगी, हीरो की एंट्री। अरे कहाँ छुपे हो अंकल? अरे हम तो इधर हूँ। अंकल मुझे एक बर्गर मिलेगा क्या? अरे इस कुत्ते ने धमाल मचा के रखा है, बर्गर कहाँ से दूँ? अच्छा और मैं इसे हटा दूँ तो? अगर इसको हटा दिया तो जितना चाहे उतना बर्गर ले लो, वो भी फ्री। सच्ची? अरे सुनो डॉगी, टॉमी वॉमी जो भी तुम्हारा नाम है, अंकल को परेशान करना बंद करो, समझे? चलो अब बाहर जाओ। अरे बाबा, कमाल का लड़का है अंकल। बर्गर लगता है सारा बर्गर खा लेगा। थैंक यू अंकल। बस कर टीटू, और कितना खाएगा? चल चल जल्दी, कहीं बस निकल गई तो मुश्किल हो जाएगी। आई? ये क्या हुआ? अरे इतना खाएगा तो यही होगा, लगता है पेट में गैस हो गया है। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है भैया, लगता है और गैस बन रही है। बचाओ भैया। रुको टीटू, मैं आ रहा हूँ। अरे टीटू गालू, रुकिए रुकिए, हम आ रहे हैं। भैया ए बस करो, मेरे भाई को सताना बंद करो। लगता है मैं ठीक हो गया। भैया रुक जाओ टीटू। थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे। देखो बुक्स को प्लेन बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अपनी बुक्स को ही उठाकर डोले शोले बनाओ। मच्छर को पकड़ने के लिए बुक बड़े काम की चीज है। एक को गिराओ, सबको लुढ़काओ। टीटू ये बुक्स खिलौने नहीं है। अब तुम्हें दिखाती हूँ मम्मी पंती। टीटू ये स्टोरी बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा पढ़ के देखो। लगता है टीटू उल्लू बन गया, पूरी बुक पढ़कर ही मानेगा। मेरा प्यारा बच्चा। हाँ? मम्मी आपने सही बोला, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मम्मी नाम है टीटू, मत समझना उल्लू। लो इसको कहते हैं फास्ट रीडिंग। अच्छा इतनी तेजी से पढ़ने के बाद थक गए होगे, बर्गर लाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, पेट में किताबी चूहे कूद रहे हैं। मम्मी अभी कितनी सीधी होती है ना। क्या मम्मी आपने तो मेरे मुंह का निवाला छीन लिया। जैसे तुमने तेजी से बुक पढ़ ली वैसे ही तुमने तेजी से बर्गर भी खा लिया, अब से खाना भी ऐसे ही मिलेगा।
अब ये क्या कर रहे हो मेरे लाल? मैं बुक की नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ अपने भेजे में। जैसे वाईफाई से डेटा ट्रांसफर होता है ना, वैसे पूरी नॉलेज ट्रांसफर हो चुकी है मेरी बुद्धि में। हाँ? अच्छा चलो, मुझे शॉपिंग जाना है, चलोगे मेरे साथ? शॉपिंग? क्या हुआ टीटू, टी शर्ट अच्छी लगी? चाहिए? हाँ हाँ, मनवीर सिंह का हैंडसम फेस बना हुआ इस पे, मैं बहुत डैशिंग लगूंगा इसमें। तो चलो इसको भी ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे पढ़ाई ट्रांसफर की थी। अब तुम एकदम अच्छे लग रहे हो। बेटा मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना, हूँ तो तुम्हारी ही मम्मी। अब तुम टीटू पंती करोगे, बवाल मचाओगे, तो मुझे भी मम्मी पंती पे उतरना ही पड़ेगा ना। अब सीधे घर चल के पढ़ाई करो। वाह टीटू, इस गेम का वर्ल्ड चैंपियन तो तुम ही हो। मगर मम्मी भी कुछ कम नहीं। मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। हाँ मम्मी, सुना है कल आपका हैप्पी बर्थडे है? सुना है मतलब तुम्हें अपनी मम्मी का बर्थडे भी याद नहीं है? अब तुम अपनी मम्मी के बर्थडे में इनवाइटेड नहीं हो। नहीं नहीं मम्मी, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि इस बार चॉकलेट केक, वैनिला केक मंगाएंगे। ठीक है टीटू, तुम्हारे पसंद का चॉकलेट केक ही मंगाएंगे। आपके पसंद का वनीला केक ही मंगवाएंगे। नहीं टीटू, तुम सही कह रहे हो, चॉकलेट बिल्कुल सही है। नहीं गोलू भैया, वनीला डिसाइड कर लिया है। नहीं टीटू, चॉकलेट वनीला, चॉकलेट वनीला। ओहो, केक बना भी नहीं और मोमबत्ती फूकने वाले पहले ही आ गए। बर्थडे मेरा है इसलिए मैं अपनी पसंद का केक खुद ही बनाऊंगी। लगता है बटरस्कॉच केक बन रहा है। मुझे लगता है पाइनएप्पल केक है या स्ट्रॉबेरी। टडा, यह है चोको वनीला केक। मुझे भी वही पसंद है जो मेरे बच्चों को अच्छा लगता है। गोलू भैया, मम्मी ने मेरी पसंद का चॉकलेट और आपकी पसंद का वनीला केक बनाया है। थैंक यू मम्मी। मम्मी केक को टेस्ट करके देखिए। केक में एक छोटा सा भी कट नहीं दिखना चाहिए। ये बर्थडे केक मेरा है और कल मैं इसे अपने बर्थडे पर काटूंगी। मैं सोने जा रही हूँ। केक ठंडा हो जाए तो इसे फ्रिज में रख देना और किचन की लाइट बंद करना मत भूलना। मम्मी, टीटू, टीटू। हाँ देख रही हूँ, टीटू पीठ पर चढ़कर बैठा है। इसे पीठ से उतारो और पढ़ने के लिए बिठा दो। मुझे स्कूल से फोन आया था कि कल स्कूल में टेस्ट है, इसलिए टीटू पार्टी में नहीं जाएगा। और हाँ, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। मम्मी, टेस्ट को रेस्ट करने दो, मेरा भाई कौवा बन गया। काओ, काओ। क्या, कौवा बन गया? काओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। गोलू भैया, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? हाँ? लेकिन तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो? वो बाद में बताऊंगा, बस आप एक काम कीजिए। तो ये पता नहीं क्या क्या करता रहता है। काओ, काओ। मम्मी, इस आवाज के साथ टीटू कल वाइवा टेस्ट तो नहीं दे पाएगा, चलो इसे भी पार्टी में लेकर चलते है। ये गाँव गाँव करेगा तो सब लोग हंसेंगे, पहले इसकी आवाज का कुछ करना पड़ेगा। भैया, अब तक तो पार्टी में खाना शुरू हो गया होगा। गोलू, दरवाजा खोलना। बेटा, हमारे यहाँ पार्टी थी लेकिन टीटू नहीं आ पाया। हमने सुना है वो कौवा बन गया है, इसलिए उसके लिए खाना लाए हैं। कौवे तो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, कौवों को खिलाना ऐसा है जैसे बुजुर्गों को खिलाना। भाई साहब, इसे वहाँ रख के आओ जहाँ कौवे बैठते हैं। नहीं नहीं, वो कौवे ढंग से खाते नहीं, अब तो हम टीटू को ही देंगे। काओ, काओ।
कितना मुलायम केक है ये, दुनिया का सबसे अच्छा केक। रुक जाओ गोलू भैया, वो केक नहीं तकिया है। कुछ करो टीटू, केक खाने का बहुत मन कर रहा है, कल तक कैसे रुक जाए। सुबह होने में अभी कितने घंटे बाकी हैं? आइडिया। क्या करना है? देखा जाए तो कल का दिन एक घंटे बाद मतलब 12 बजे ही शुरू हो जाएगा, तो सुबह होने की राह क्यों देखनी है। हमें अभी एक शानदार सरप्राइज पार्टी अरेंज करनी है, जिसमें केक कटेगा और सबके साथ साथ हम में भी बटेगा। वाह क्या आइडिया है। तो चलो 12 o'clock इन द नाइट सबको करते हैं इनवाइट। भाग भाग के थक गया, अब थोड़ा पानी पी लेता हूँ। गोलू भैया केक तो पिघल गया। हमने किचन की लाइट ऑफ करते वक्त फ्रिज का स्विच भी ऑफ कर दिया। अरे अब क्या करें, लोग तो आ जाएंगे थोड़ी देर में। आइडिया। गोलू भैया, मम्मी ने हमारी पसंद के लिए अपनी पसंद को अनदेखा किया था, अब मैं भी वही चोको वनीला केक लेकर झट से आता हूँ। तब तक अगर गेस्ट आए तो उन्हें कोई डांस गेम करवा के एंटरटेन करना। टीटू काटो सजा, हम करेंगे मजा। मैंने मेंढक बनाया और वो जिंदा हो गया। बहुत भूख लग रही है, जलेबी बना के देखता हूँ। ये तो जादुई कलम है। अब करता हूँ फुल मस्ती। बर्गर, पिज्जा, समोसे। बहुत खा लिया, अब घर चलते हैं। घोड़े पे जाऊंगा तो टाइम लगेगा, उड़ के जाता हूँ। भूला भूला अबूला, उड़ता हुआ घोड़ा। फूला फूला उला सूला, फूला फूला उला सूला। मैडम टिल्लू मिल गया। उड़ता हुआ घोड़ा, सब इस जादुई कलम का कमाल है। गोलू भैया अब पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। पार्टी। मम्मी, चलो दोस्तों बाकी की पार्टी कल करेंगे। हेलो, ओवन गरम है और केक नरम है। कैसे हो मेरे फैन? मैं हूँ मिस्टर यमी, वर्ल्ड का नंबर एक केक मेकर और पेस्ट्री मेकर। मिस्टर यमी? नहीं नहीं, ये जरूर है कोई मिस्टेक। क्या तुम हो कोई फेक? गौर से देखो, मैं मिस्टर यमी ही हूँ और आज मैं तुम्हारी बेकरी में केक बेक करने आया हूँ। शेरा, गोलू भैया टीटू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जब यहाँ है ही नहीं तो दिखाई कैसे देगा। अरे मेरा मतलब वो सोया हुआ है ना। गोलू भैया मुझे पानी पीना है। होने लगी है खुजली, किसकी करूं मैं चुगली। शेरा, टीटू नहीं है और यहाँ केक बिगड़ी हुई है। इसका मतलब टीटू जरूर केक लाने गया है। चलो उसके केक को बनाते हैं मिस्टेक।
वो रही टीटू की साइकिल। ये टीटू ही है ना? नहीं शीरा, ये तो कोई और लग रहा है। नहीं चुगली, ध्यान से देखो, टीटू ही है। अच्छा तो ये यहाँ केक बना रहा है। कायदा और कानून, किसकी शॉप है ये? इतनी लेट तक शॉप खोलने की परमिशन दिखाओ। सॉरी सर, स्पेशल गेस्ट आ गए हैं, मिस्टर यमी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कायदा और कानून, आप थोड़ा लेट नहीं, टू लेट हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, इतने कड़वे क्यों हो आप? ये लो, मैंने केक का मिक्सचर तैयार किया है, खा के देखो, मीठा खाओ, मीठे हो जाओ। अरे चुगली, चुगली मतलब इंस्पेक्टर चुग, इनके साथ साथ इनके केक का सामान जब्त कर लो, अब ये केक बेक जेल में होगा। इस खुजाऊ कार्टून को कहीं देखा है? अरे ये तो अपना चुगली है। ओए चुगली, मैं जान गया तुम्हें, रुक जाओ चुगली। ओह नो, चुगली पकड़ा जाएगा। अब मैं लाइट ऑफ करता हूँ और सारा सामान लेकर फौरन फुर हो जाता हूँ। बस बस बहुत हो गया, आइए संजू जी, आपका स्वागत है। अपनी पूजा को लेने आ गया है उसका संजू, घोड़ी दौड़ा के, शहनाई बजा के। जैसे ही दूल्हा शादी के मंडप में जाएगा, हम जूते चुरा लेंगे और फिर सारे गिफ्ट हमारे। नहीं, सिर्फ शेरा के। आप अपना जूता दे दीजिए, मैं इन पे शेरा की नजर भी नहीं पड़ने दूंगा। चुगली, टीटू के पीछे परछाई की तरह लग जाओ, परछाई की तरह, देखते रहना ये कहाँ जूते रख रहा है। ठीक है शेरा। गोलू भैया, जूते ऐसी जगह छुपाने पड़ेंगे जहाँ शेरा को शक ना हो। जूते की कोई खबर? जूते अभी भी टीटू के पास ही है शेरा, उस डिब्बे में। मेरे पास एक आइडिया है। दूल्हे के ही जूते हैं। और इसी के साथ साथ फेरे पूरे हुए। टीटू, जूते लेकर आओ। जूते हमारे पास है। जूते तभी आपको मिलेंगे जब पूरी होगी शेरा की मांग। पहले जूतों के दर्शन कराओ। ये मेरे जूते नहीं है। क्या? क्या कर रहे हो? नॉक करके अंदर आया करो, ये मेरा घर है। गोलू भैया, टीटू, माइसेल्फ टीटूज बिग ब्रदर। गोलू भैया, ये मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं। छोड़ दो मेरे भाई को। मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तुम्हारा बॉस कौन है? आ, आ, आ,
झगड़ा पहले आपने शुरू किया था ना? देखो, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। आ, 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 खाने की इतनी बड़ी लिस्ट इनके लिए। अच्छा तो ये बात है, इनका खाना मैं खा रहा हूँ इसलिए ये मुझे किडनैप करके यहाँ ले आए हैं। दोस्तों एक डील करते हैं, जब तक मैं आपकी आवाज़ निकालूंगा आपके हिस्से का खाना आपको मिल जाएगा। डील? टीटू वो कौवे कहाँ गए? जाने दो भैया, मेरी डील हो गई है, जब तक मैं कौवे की आवाज़ निकालूंगा तब तक कौवों का हिस्सा उन्हें पहुँचाना पड़ेगा। ये मेरी साइकिल लेकर कौन जा रहा है? लेकिन मैं बोलूँ तो बोलूँ कैसे, मैं तो कौवा बन के बैठा हूँ। चलो मैं उसे डराता हूँ। कौवे ने मारा तो कौवे की आवाज हुई समझ में आता है, लेकिन ये अचानक से शेर की आवाज कैसे हो गई? लगता है शेरा के साथ बैठा था। शेरा का नाम शेर है, वो शेर थोड़ी। क्यों सेक्रेटरी अंकल, आपका बेटा शेर नहीं है? मेरा बेटा शेर है, इसलिए तो मैंने उसका नाम शेरा रखा है। मैंने अब तुम्हारी आवाज यूज करना बंद कर दिया है, अब हमारी डील खत्म। अब तुम अपना खाना खुद ही ढूंढो, मेरी डील खत्म हुई। तो तुम लोग नकली ऑफिसर्स हो, मैं अभी असली ऑफिसर्स को बुलाता हूँ। अंकल चेरी, असली तो ये बेकर मिस्टर यमी भी नहीं है। मैं ले जा रहा हूँ चीनी, अब बिना चीनी के केक कैसे बनाओगे? सॉरी अंकल, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन तुम्हारा इरादा नेक था, चलो बनाओ अपना केक। अरे अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। वैसे 10 मिनट तो बहुत है, मगर बिना चीनी के केक बनाएंगे कैसे? अंकल मिस्टर यमी होते तो हार नहीं मानते, और ना ही टीटू मानेगा अपनी हार, क्योंकि हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। गन्ना तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं, बोलने को कुछ है ही नहीं, और बोलता भी हूँ तो। मुझे तो पहले से पता था ये टीटू का प्रैंक है, ना ही घर में टीटू है ना ही केक है। टीटू और केक नहीं है तो क्या हुआ? और बर्थडे तो है ना, जब आए हैं तो हम बर्थडे करके ही जाएंगे। कौन है जो रात में मेरी ब्यूटी स्लीप खराब करने आया है? अरे आप सब लोग, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमें तो टीटू ने केक कटिंग के लिए बुलाया, और वो खुद केक लेके गायब है। टीटू, मैं यहाँ हूँ अंकल। मम्मी सरप्राइज। अरे ये तो वो केक नहीं है जो मैंने बनाया था। अब टीटू को पड़ेगी डांट। सॉरी मम्मी, हमने गलती से किचन की लाइट के साथ फ्रिज का भी स्विच ऑफ कर दिया था, तो वो केक खराब हो गया। हाँ? और तुमने इतनी रात को इतना अच्छा केक बना भी लिया। हाँ मम्मी, हाँ? ये मेरी अब हमारी तरफ से आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे मम्मी। ओह, तुमने बर्थडे गर्ल को रुला दिया टिंडू, मगर ये खुशी और गर्व के आंसू हैं। मेरा बच्चा इतना समझदार हो गया। और हैप्पी बर्थडे।
वाह वाह, क्या केक है। ऐसा केक तो मिस्टर यमी भी नहीं बना पाते। मैं इस केक को अपने मेन्यू में ऐड करूंगा, वो भी तुम्हारी मम्मी के नाम से।